हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हमारी क्लास 12th का हमारा जो चैप्टर 4 चल रहा है डिटरमिनेंट, उसकी लास्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.6। इसमें आपके पास हमने जो पढ़ेंगे हमारे पास वो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम ऑफ डिटरमिनेंट्स आपके पास, ठीक है, एंड मैट्रिक्स की। और एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास जो हमने हमारे सिलेबस में पढ़ना है वो लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और थ्री वेरिएबल्स, ठीक है, और इन टू वेरिएबल्स और थ्री वेरिएबल्स के अंदर हमने इनको किस प्रकार से करना है और उनकी जो इक्वेशन है उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना है। अब आपने ये क्लास 10th में ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ठीक है। आपने वहाँ टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ आपने पढ़ा कि इक्वेशन आपकी कंजिस्ट करती हैं, ठीक है, कंजिस्ट सिस्टम्स कहलाता है आपका वो, और दूसरा कहलाता है इनकंजिस्ट सिस्टम, ठीक है। हम किस प्रकार से उसको कंजिस्ट या इनकंजिस्ट कहते हैं, अगर आपके पास इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन हो, ठीक है, या आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो। इट मींस सॉल्यूशंस होने चाहिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, तो आपका जो इक्वेशंस है वो कंजिस्ट सिस्टम्स कहलाएगा। मींस जो इक्वेशंस होगी वो इनकंजिस्ट कहलाएंगी। इनकंजिस्ट आपके पास कब होगा, जब आपका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब आपने क्या पढ़ा था वहां पर क्लास 10th के अंदर, आपने पढ़ा था कि नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर आपने कंडीशंस पढ़ी थी क्योंकि वहां टू वेरिएबल्स के बारे में बात की थी। आपके पास अगर टू वेरिएबल इक्वेशन इस टाइप के अंदर है, ठीक है, तो आपने इसमें रिलेशन पढ़ा था कि ए वन और ए टू की रेशियो, बी वन और बी टू की रेशियो नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू होगा आपके पास, ठीक है, नो सॉल्यूशंस के लिए। और यूनिक सॉल्यूशंस के लिए आपके पास क्या था कि ए वन और ए टू की रेशियो नॉट इक्वल बी वन और बी टू की रेशियो, ठीक है। इसमें आपके पास क्या हुआ था, यूनिक सॉल्यूशन आया था, इट मींस वन सॉल्यूशंस बोल लेते हैं हम, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही, मीन्स एक पॉइंट वो बना था हमारे पास जिसपे आपस में दोनों इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई करती हैं। और इसमें क्योंकि पैरेलल लाइंस बनती हैं, इक्वेशन मीन्स किसी भी प्रकार से आपकी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या रिलेशन आपने बनाया था वहां पर, कि आपके पास तीनों ही रेशो आपस में इक्वल होने चाहिए। अगर तीनों रिलेशन आपस में इक्वल होंगे तो आपके पास वो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपको टू इक्वेशंस आती है और कंजिस्ट या इनकंजिस्ट आता है एक नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आप इस रेशियो की हेल्प से बड़ी आसानी से उसको बता सकते हैं अपने क्लास 10th का मैटर यूज करके। लेकिन अगर थ्री की फॉर्म में अंदर आता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम अपने आगे लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, फिर उसके बाद इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने जो पढ़ना है, क्योंकि हमने डिटरमिनेंट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स के तहत हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करते हुए उनको सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से, मान लीजिए आपको कोई भी इक्वेशंस दी गई हैं, आप टू ऑर्डर के लिखना चाहें टू ऑर्डर के लिख सकते हैं, थ्री ऑर्डर के लिखना चाहें थ्री ऑर्डर के लिख सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हमने ऑलरेडी क्योंकि क्लास 10th के अंदर दो ऑर्डर के बारे में पढ़ा है, तो मैं आपको यहाँ जो इक्वेशन लिख रहा हूँ वो थ्री ऑर्डर के अंदर लिख देता हूँ। ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इजक्वल टू डी वन, सेकेंड इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस इजक्वल टू डी टू, एंड थर्ड इक्वेशन ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई एंड सी थ्री जेड इजक्वल टू डी थ्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास ए एक्स बी की फॉर्म के अंदर, जहां पर आपके पास ए मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, फर्स्ट रो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशियंट्स बनेंगे, सेकंड रो आपके पास सेकंड इक्वेशंस के कोफिशियंट्स होंगे ए टू बी टू एंड सी टू, थर्ड रो थर्ड इक्वेशंस के आपके पास कोफिशियंट्स होंगे, एंड बी में आपके पास जो एक्स मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने हमारे पास वेरिएबल क्या है एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स हम ले लेंगे आपके पास कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट डी वन डी टू एंड डी थ्री। अब आपके पास हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए अगर आप फर्स्ट रो को इस प्रकार से, क्योंकि रो को डायगोनल कॉलम से मल्टीप्लाई होगी आपके पास, ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स से, तो ए वन एक्स प्लस बी वन बाय प्लस सी वन जेड, मीन्स आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लाई लिखूँ ए एक्स लिखूँ इज इक्वल टू आपके पास वो क्या बनेगा बी, क्योंकि ए वन एक्स प्लस बी वन बाय प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन। आपके पास इसी फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मेथड हो गया। अब यहाँ से हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, प्री पोस्ट मतलब आपके पास
क्योंकि इधर जीरो नहीं है। पीछे अभी तक आपके पास आपने इन इक्वेशंस को, जैसे कोई इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है, फिफ्थ चैप्टर 4.5 के अंदर आपके पास, तो आपने इनको सॉल्व करने के लिए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया। आगे पीछे का कोई मैटर नहीं था इसके अंदर, क्योंकि दूसरी तरफ जीरो था, तो इस तरफ आपके पास वो टर्म्स कैंसिल होनी थी। लेकिन यहाँ हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि ए आगे है, दूसरी तरफ आपके पास मैट्रिक्स एक्स, ए और एक्स दो डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, यहाँ सेम मैट्रिक्स थे आपके पास, ए क्यूब के अंदर ए इंटू ए इंटू ए था, तो यहाँ से ए इनवर्स इंटू ए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, हमने इसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया बाय ए इनवर्स, आइडेंटिटी से कोई दिक्कत नहीं आपके पास, वो चीज़ यही रह जाएगी। मीन्स आप ए इनवर्स निकाल कर उसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि ए आपके पास 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये आपके पास 3 रो और 1 कॉलम, आपके पास ये 3 रो और 1 कॉलम, ठीक है, तो इसका जो ये बना 3×1 का बना, ए इनवर्स भी आपके पास 3×3 ऑर्डर का आएगा, बी मैट्रिक्स आपके पास 3×1 का ऑर्डर का, तो ये कैंसिल होकर आपके पास जो आंसर बनेगा वो 3×1 ऑर्डर का ही बनेगा। मीन्स आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स ही बनेगा, जिसके कारण आपके पास आप इनकी वैल्यूज को एक्स कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, अब इनके अंदर हमें करना क्या होगा, इस इक्वेशंस की बात कर ली हमने, ये मेथड हम कब यूज सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ए इनवर्स आपके पास क्या होता है, हमने फिफ्थ एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा है, अर्जेंट ए ऑन 1y डिटरमिनेंट ए, व्हेन आपका डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 मींस आपके पास ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तभी आपके पास क्या होगा, ये यूनिक मेथड होगा, मींस आपके पास यूनिक सॉल्यूशन देगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं, अगर इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल 0 आ गया हमारे पास, ठीक है, अगर डिटरमिनेंट ए इक्वल 0 आ जाता है तो फिर हमें क्या करना होगा, तो फिर उस केस के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें अर्जेंट तो पता करना ही है उस मैट्रिक्स का, ठीक है, अर्जेंट ए तो हम पता करेंगे ही करेंगे, लेकिन अर्जेंट ए को हम बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर अर्जेंट ए आपके पास बी से मल्टीप्लाई करने पर नॉट इक्वल टू 0 बना, ठीक है, मीन 0 मैट्रिक्स नहीं बना आपका, ठीक है, तो आपके पास इट मीन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंजिस्ट, मीन्स हम यू कह सकते हैं कि नो सॉल्यूशंस आपके पास, ठीक है, इनकंजिस्ट हो गया। और अगर बाय चांस ये आपके पास अर्जेंट ए इंटू बी इक्वल 0 बन जाता है, ठीक है, तो फिर आपके पास ये इसका नो सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें इस केस के अंदर पॉसिबल है आपके पास। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मींस आपका कंजिस्ट कर सकते हैं, नो सॉल्यूशन मींस इनकंजिस्ट कर सकते हैं। फिर इस केस के अंदर हम करते क्या हैं, इस केस के अंदर हमें करना क्या होगा, हम जेड इज इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट लेट करते हैं, हम लेट करते हैं लेट जेड इज इक्वल टू के, कोई कॉन्स्टेंट लेट कर लिया और 3 ऑर्डर की इक्वेशन को 2 ऑर्डर की इक्वेशन में अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, आपके पास आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, 2 ऑर्डर की इक्वेशन है तो उसको 1 ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, और आपके पास 1 ऑर्डर में क्या होगा कि एक्स की जो दोनों तरफ से वैल्यू आ रही होगी, दोनों इक्वेशन से वैल्यू आ रही होगी, वो डिफरेंट वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि मान लीजिए अगर 2 ऑर्डर की इक्वेशन है, आप सोचेंगे वाई के अपने कॉन्स्टेंट के मान लेट कर ले तो एक्स आपके पास आंसर आ गया, नो, आप दूसरे के अंदर भी चेक करके देखें, अगर डिफरेंट आंसर आ रहा है इट मीन्स नो सोल्यूशन, अगर सेम आ रहा है इट मीन्स इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, ये 2 ऑर्डर के लिए होता है, और 3 ऑर्डर के अंदर क्या होता है, क्योंकि आपकी वापस वो 2 ऑर्डर की इक्वेशन बन जाती है, फिर हमने इसी मेथड से उसको दोबारा अगेन सॉल्व करके चेक करना होता है। ठीक है, अभी इन सभी चीज़ों को आप देखेंगे, क्वेश्चंस जब हम करके देखेंगे आपको इनका सारा कंसेप्ट सब वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है, उनमें हमें करना क्या है, क्या चीज़ कही गई है, हमसे कह रहे हैं आपके पास एक्सरसाइज 4.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें कह रहा है एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1-6, आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, मीन्स ये कंजिस्ट करेगा या इनकंजिस्ट होगा। ठीक है, अब उस चीज़ के लिए आपके पास आपको क्लियर है कि इनकंजिस्ट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे पास, और कंजिस्ट के अंदर भी आपके पास कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम देखते हैं आपको क्वेश्चन क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, आपको जो इक्वेशन गिवन है वो देखें, आपको इक्वेशन क्या दे रहा है, गिवन इक्वेशन आपको दे रहा है एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2 फर्स्ट इक्वेशन है, एंड सेकेंड इक्वेशन दे रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन दी गई है, हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशंस हैं, सिस्टम इक्वेशन कैन बी रिटन इन, इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म, किस फॉर्म के अंदर आपके पास, ए एक्स इज इक्वल टू बी,
एंड वेयर ए आपके पास क्या मैट्रिक्स बनेगा, 1 2 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स बन गए, सेकंड रो के 2 3, ठीक है। एक्स आपके पास क्या बन गया, एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई, एंड बी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा आपके, कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट 2 3, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, ए इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है, इसकी कंजिस्ट इनकंजिस्ट चेक करने के लिए आपको ए का डिटरमिनेंट करना है, ठीक है। आपने ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करेंगे 1 2 2 3 आपके पास, आपने डायगोनल्स को मल्टीप्लाई किया 3, माइनस 2 को 2 से 4 किया 4, माइनस 1 आ गया नॉट इक्वल टू 0 आपके पास, नॉट इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या हुआ आपके पास, ठीक है, ए इनवर्स, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है आपके पास, ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स आपके पास जो सोल्यूशन है वो कंजिस्ट होगा आपका, ठीक है। इसके अंदर हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहे ना करना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको कंसिस्टेंस चेक करने के लिए कहा गया था, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा गया था, ठीक है। तो आप यहां तक भी क्वेश्चंस को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन हैज, ठीक है, इक्वेशन हैज, इक्वेशंस हैव कंजिस्ट, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपके पास आपको दे रहे हैं, आप इसमें सॉल्व करना चाहे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, वहाँ आपको क्लियर होगा। फिलहाल अभी हम सिर्फ कंजिस्टेंस चेक कर रहे हैं इसकी। आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या दे रहे हैं, 2x - y = 5 आपकी फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन दे रहा है x + y = 4, ठीक है। हमने इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म, ठीक है, ax = b, वेयर आपके पास ए आपका मैट्रिक्स क्या बन गया, फर्स्ट रो के एलिमेंट 2 - 1, सेकेंड रो के 1 1, ठीक है, एंड एक्स मैट्रिक्स आपके पास एक्स वाई, एंड बी मैट्रिक्स आपके पास कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट 5 4, ठीक है। नाउ आपने ए का डिटरमिनेंट करना है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस 1 को माइनस 1 से किया, माइनस 1 मीन्स प्लस 1 हो गया, 3 नॉट इक्वल टू 0, सो आपके पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इट मीन्स आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सो इक्वेशन आप लिखना चाहे इसमें लिख सकते हैं, इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, सो कंजिस्ट, कंजिस्टेंट, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट, क्योंकि हमें हमें यहाँ पर कंजिस्ट तक का तो मैटर हमारे पास क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर इनकंजिस्ट हमें कहना पड़े तो आपके पास वो किस प्रकार से जाएगा, ठीक है, उन वैल्यूज के बारे में हमें देखना है। क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो होने पर आपके पास दो तरह के केस अराइज होते हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसके बारे में देखेंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें, हमें जो गिवन इक्वेशन दे रहे हैं, गिवन इक्वेशन आपके पास, ठीक है, गिवन इक्वेशंस आपके पास क्या बनती हैं, x + 3y = 5 आपकी फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड इक्वेशन 2x + 6y = 8, ठीक है। आपके पास एक क्लास 10th वाला मेथड तो आपके पास अप्लाई कर ही सकते हैं, यहाँ पर 1/2 की रेशो, 1/2, 3/6, देखिए यहाँ से x के क्वेश्चन 1/2, y के क्वेश्चन 3/6, आपके पास कट के 1/2 आ जाएगा, एंड कॉन्स्टेंट के क्वेश्चन 5/8, पहले दोनों इक्वल्स आ गए, थर्ड नॉट इक्वल आपके पास, ठीक है। सो आपको यहाँ से क्लियर होगा कि ये इनकंजिस्ट होगा, ठीक है, मीन्स अगर आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो आप वहां से इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर यही चीज आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है ना, या 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर पूछ ली जाती है, तो आप सॉल्व करते हैं चीजों को, तो किस प्रकार से आपने करना है, ठीक है। हम लिखेंगे जैसे इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, कैन बी रिटन इन द फॉर्म आपके पास किसमें, ax = b, एंड वेयर आपके पास ए मैट्रिक्स क्या बनेगा आपका, 1 3 फर्स्ट रो के एलिमेंट, सेकेंड रो 2 6 आपके पास, एंड एक्स मैट्रिक्स आपके पास एक्स और वाई वेरिएबल्स हो जाएंगे, और सॉरी बी मैट्रिक्स आपके पास आपका कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट का 5 और 8 हो जाएगा। नाउ आपने ए का डिटरमिनेंट किया, ठीक है, 1 3 2 6, 1 6 6 -2 3 6 = 0, ठीक है, आपके पास इक्वल टू 0 हो गया, सो आपका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, या इसको हम लिख देंगे आपके पास इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स,
ठीक है, ये आपके पास आपका एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब लेकिन अगर ए इनवर्स आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट करता है, तो आपके पास उसके बाद हमें कंसिस्टेंस को चेक करने के लिए क्या था, हमें एडजॉइंट से इसको मल्टीप्लाई करना होता था, ठीक है। आपके पास यह मेथड क्या था कि हम इसको एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उस बेस पर चेक करेंगे कि आपके पास ये क्या चीज़ बनती है, नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है या इक्वल टू जीरो आ रही है आपके पास। तो अब हमें क्या करना होगा, इसके कोफैक्टर्स निकालने होंगे, ठीक है, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे, ठीक है, आपके पास ए वन वन इस एलिमेंट के लिए फर्स्ट होगा, फर्स्ट एलिमेंट छोड़नी है सिक्स, ए वन टू फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट माइनस टू, एंड ए टू वन सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट तो माइनस थ्री, आपके पास थ्री बनना था क्योंकि टू और वन का सम ओड है तो इसलिए माइनस लग गया, ए टू टू आपके पास कितना आ गया, वन आ गया। तो अर्जेंट ए मैट्रिक्स यहाँ से क्या बनेगा, आपने आपने फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स लिखे, फिर सेकेंड रो के कोफैक्टर्स लिखे, इनका आप ट्रांसपोज कर देंगे, तो सिक्स माइनस टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। और अर्जेंट डायरेक्ट चेक करना चाहें, डायगनल एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज हो गए हैं आपके, एक नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको हेल्प करता है, और जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने अर्जेंट ए को हमने बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अर्जेंट आपके पास क्या है, सिक्स माइनस थ्री माइनस टू वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम फाइव एट से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सिक्स को फाइव से किया आपके पास थर्टीन, माइनस माइनस थ्री को एट से किया ट्वेंटी फोर, माइनस टू को फाइव से किया माइनस टेन, प्लस वन को एट से किया एट, ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया, माइनस सिक्स और प्लस सिक्स और माइनस टू आ गया आपके पास, मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो के अंदर आपके पास बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है कि ये क्या हो गया, इनकंजेस्ट हो गया, ठीक है। सो आपके पास, ठीक है, इनकंजेस्ट, क्लियर, ये आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। अगर ये इनकंजिस्ट आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता, सॉरी इक्वल टू जीरो आता, फिर हमें इसको आगे अगले कंसेप्ट के अंदर ले जाकर इसको चेक करना पड़ता, ठीक है। अब उसी चीज के बेस पर हम देखते हैं इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। इसके अंदर हमें क्या कह रहा है करने के लिए, वो चीज देखेंगे हम आपके पास। अब यहां से आपके पास पहले तीन क्वेश्चंस में क्या था, हमने आगे का जो मैटर है ए इनवर्स को निकालने का, वो नहीं हमने की यूज किया, हम सिंपल कंजिस्ट और इनकंजिस्ट के बारे में ही चेक कर रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर, हम बात करें कि फोर के अंदर हमें कह रहा है, आपकी पहली इक्वेशन गिवन कर रहा है, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन, ठीक है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू टू, आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस टू ए जेड इज इक्वल टू फोर, आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये चीज होगी आपके पास। अब यहां से हम देखते हैं हमारे पास, आपके पास इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म, इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, किस फॉर्म के अंदर, आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू बी के अंदर, वेयर आपके पास जहां ए और बी, एक्स बी मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेंगे, ए मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेगा, आपके पास फर्स्ट इक्वेशंस के एक्स वाई जेड का कोफिशियंट्स वन वन वन, सेकेंड रो आपकी क्या बनेगी टू थ्री फोर, टू थ्री टू सॉरी, ठीक है, एंड थर्ड रो क्या बनेगी आपके पास ए ए टू ए, ठीक है, आप देख सकते हैं अगर यहां से ए कॉमन निकालते हैं तो वन वन टू बनता है, मीन्स आपके पास इसके अंदर कोई कॉमन नहीं बन रहा है, ठीक है, उस चीज के अकॉर्डिंग आपको इनको करना है। एंड एक्स मैट्रिक्स आपके पास क्या बन जाएगा, जो आपका वेरिएबल का मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ तीन इक्वेशंस हैं एक्स वाई जेड, तो ये तीन इक्वेशन के साथ एक्स वाई जेड के रूप के अंदर आप इसको लिख लेंगे। एंड बी मैट्रिक्स आपके पास क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट का मैट्रिक्स होगा, और कांस्टेंट आपके पास क्या चीज है, आपके पास वन टू फोर, ठीक है। अब नाउ आपने ए का डिटरमिनेंट करना है, तो आपके पास वन 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 टू थ्री टू ए ए टू ए, आपने फर्स्ट रो की रिस्पेक्ट में किया मान लीजिए वन, इसे रो कॉलम को छोड़ देंगे, थ्री को टू ए से किया सिक्स से, माइनस ए को टू से किया तो टू ए, माइनस वन सेकेंड एलिमेंट के लिए आपके पास सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो तो छोड़ ही रहे हैं, टू को टू ए से किया तो फोर ए, माइनस ए को टू से किया तो टू ए, प्लस वन आपके पास थर्ड रो के
थर्ड एलिमेंट के लिए थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, टू को ऐसे किया तो टू ए माइनस थ्री ए, तो आपके पास सिक्स ए माइनस टू ए फोर ए हो गया, माइनस फोर ए माइनस टू ए टू ए हो गया, आपके पास टू ए माइनस ए आपके पास ए हो गया, तो ये क्या आ गया आपके पास ए आ गया। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो आपकी ये थर्ड पूरी की पूरी इक्वेशन ही जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास यहाँ ए जीरो पॉसिबल ही नहीं है, वैसे इन्होंने गिवन नहीं किया, आपको इक्वेशंस के अंदर आपको गिवन भी कर सकता है ये। ठीक है, और जनरल भी हमारे पास अंडरस्टूड है, क्योंकि दो इक्वेशन आपके पास अगर दो वेरिएबल है, ठीक है, तो आप दो इक्वेशन से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास दो की जगह तीन वेरिएबल हैं तो इक्वेशन आपको तीन ही चाहिए, तभी हम उस क्वेश्चन कंसेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ से देखिए कि नॉट इक्वल टू जीरो बना आपके पास, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो, सो आपके पास ये क्या हो गया, इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब आपके पास क्या कर गया, सो ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो आपके पास क्या होगा, ये कंजिस्टेंट होगी इसकी मीन्स, ठीक है, कंजिस्टेंट सिस्टम आपके पास, क्लियर, ये आपके पास आंसर बन जाएगा आपका इक्वेशन एज ए कंजिस्टेंट सिस्टम, क्लियर। उसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसके अंदर हमें क्या करना होगा, इसके अंदर भी आपके पास देखें ऐसे ही तीन इक्वेशंस आपको दी गई हैं, उनके बारे में देखते हैं हम। आपके पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर आपको पहली इक्वेशन दे रहा है 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2, ठीक है, सेकंड इक्वेशन दे रहा है 2y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 1, एंड थर्ड इक्वेशन दे रहा है 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, आपके पास ये थर्ड इक्वेशन होगी, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म किसके अंदर, ए एक्स इज इक्वल टू बी के अंदर, एंड वी हैव, ठीक है, और वो हम किस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। आपके पास देखेंगे ए मैट्रिक्स आपका क्या बन जाएगा, 3 माइनस 1 माइनस 2 सेकेंड रो के एलिमेंट्स, एक्स का है ही यहाँ पर तो 0, 2 माइनस 1, एंड थर्ड इक्वेशन के लिए आपके पास थर्ड रो क्या बनेगी, 3 माइनस 5 एंड 0 आपके पास, और x आपका क्या वेरिएबल का क्वेश्चन क्या बनेगा, एक्स वाई जेड, क्योंकि तीन वेरिएबल्स हैं, और y आप v मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेगा, ठीक है, v x मैट्रिक्स होगा ये वेरिएबल का मैट्रिक्स आपके पास, और यहाँ पे से होगा 2 माइनस 1 एंड 3 आपके पास, क्लियर, 3 माइनस 1 माइनस 2 0, 2 माइनस 1 एंड 3 माइनस 5 और 0 आपके पास। नाउ आपने a का डिटरमिनेंट करना है, तो 3 फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में मान लीजिए अगर हम कर रहे हैं तो 3 इस एलिमेंट के लिए, इस रो कॉलम को छोड़ देंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस माइनस 5 को माइनस 1 से किया तो 5 आपके पास, एंड माइनस ये आपके पास 0 हो गया, प्लस 3 के लिए आपने इस एलिमेंट के लिए कर रहे हैं तो ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, माइनस 1 को माइनस 1 से किया 1, माइनस 2 को माइनस 2 से किया प्लस 2 आप सॉरी प्लस 4 आपके पास, तो माइनस 5 को 3 से किया माइनस 15, 4 प्लस 1 5, 5 को 3 से किया प्लस 15, आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 0 होने का मतलब क्या हुआ, इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड आपके पास सो आपका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट आपके पास, ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या रहता है कि अगर हमने इसको बाय चांस चेक करना होता जनरली ही, ठीक है, एक मार्क्स के अंदर, तो ये तो मेथड आपके पास चल ही रहा है पूरा, तो हम क्या करते हैं इसमें हम किसी ना किसी एक वेरिएबल को खत्म करके टू वेरिएबल इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक्स वाई की फॉर्म में है, ये वाई जेड, ये एक्स वाई जेड, तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से 3x माइनस वाई माइनस 2z में से इसका जो डबल, क्योंकि 2z माइनस हो जाए ताकि 4y, और इसका डबल क्या बनेगा 2z, इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के कारण इसके साइन चेंज हो गए, आपके पास 2 माइनस किया तो ये प्लस 4 बन गया आपके पास, ये कैंसिल, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 आ गया आपके पास, सेम ये इक्वेशन आ गई, थर्ड वेरिएबल आपका चेंज हो गया, मीन्स पहली दो रेशो सेम है, थर्ड सेम नहीं है, तो इट मीन्स आपके पास इसका जो आंसर बनना चाहिए वो इनकंसिस्टेंट बनना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास एक मार्क्स के क्वेश्चन में चेक करने के लिए आपके पास रहता है। ठीक है, अब आपके पास लेकिन हमें यहाँ तो पूरा सॉल्व करना है, तो आपके पास, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें सबसे पहले आप क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। नाउ कोफैक्टर्स आपके पास, कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के, तो आपके पास ए वन वन इस एलिमेंट्स के लिए हम देखेंगे कि आपका कोफैक्टर्स क्या बनेगा,
टू को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, माइनस फाइव को माइनस फाइव से किया, आपके पास माइनस फाइव आ जाएगा। ठीक है, माइनस फाइव को माइनस वन से करके फाइव बनना है आपका, लेकिन बीच में माइनस का सिंबल है इसलिए माइनस फाइव हो जाएगा आपके पास। क्लियर। एंड देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ए वन टू, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, इस एलिमेंट के लिए आपके पास ठीक है जीरो को जीरो से किया जीरो, माइनस थ्री को माइनस वन से किया माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस थ्री बन जाएगा, जीरो माइनस थ्री प्लस थ्री हो गया, और वन टू के कारण ये माइनस थ्री आ जाएगा आपके पास। ए वन थ्री फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आपके पास। ठीक है, अब इस एलिमेंट के लिए कर रहे हैं तो जीरो को माइनस फाइव से किया जीरो हो गया, एंड थ्री को माइनस सिक्स टू से किया प्लस टू से किया माइनस सिक्स आ जाएगा आपके पास, और वन थ्री के कारण ये साइन चेंज नहीं होगा। एंड टू वन सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसके लिए माइनस वन को जीरो से किया जीरो हो गया, एंड माइनस फाइव को माइनस टू से किया प्लस टेन हो गया, इट मीन्स माइनस टेन हो जाएगा, माइनस टेन बनेगा लेकिन टू वन के कारण साइन चेंज हो जाएगा। एंड ए टू टू आपके पास, ठीक है, इसमें से अगर किसी के अंदर मिस्टेक हुई होगी तो आपने जैसे चेक कर चुके हैं इनकंजिस्ट होना चाहिए, ठीक है, तो वो कंजिस्ट पोजिशन के अंदर बन जाएगा आपके पास। सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट के लिए थ्री को जीरो से जीरो हो गया, माइनस थ्री को माइनस टू से माइनस सिक्स हो गया, तो प्लस सिक्स आपके पास सिक्स हो गया। ठीक है, टू टू के कारण इसका साइन चेंज नहीं होगा। ए टू थ्री, थ्री को माइनस फाइव से किया माइनस फिफ्टीन हो गया, माइनस थ्री को माइनस वन से किया तो आपके पास प्लस थ्री होगा, ये माइनस ट्वेल्व हो गया, और टू थ्री के कारण ओड सम बन रहा है तो इसका साइन चेंज होगा, मीन्स ट्वेल्व बन जाएगा आपके पास। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपके पास देखेंगे ए थ्री वन आपके पास। ठीक है, ए थ्री वन मीन्स थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, माइनस वन को वन से किया वन हो गया आपके पास, टू को माइनस टू से किया प्लस माइनस फोर होगा, तो माइनस माइनस प्लस फोर मीन्स फाइव बन गया आपके पास, साइन चेंज आपका नहीं होगा। ठीक है, और इसी के साथ हम देखते हैं हमारे पास, बाद आपके पास ए थ्री वन आ गया, फाइव हमारे पास कोफैक्टर्स। ठीक है, सॉरी हम इनको स्मॉल ए से लिख गए हैं, ये आपके पास कैपिटल ए से लिखे जाएंगे क्योंकि कोफैक्टर्स है ना ये। ठीक है ना, एलिमेंट्स हम लिखते हैं स्मॉल ए से, तो कोफैक्टर्स को हम कैपिटल ए से ही लिखेंगे, और अगर पिछले थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा बाई चांस हो गया तो स्मॉल ए से ऐसे लिखा नहीं है, अगर हुआ तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा। ए थ्री वन आपके पास फाइव आ गया, उसके बाद नेक्स्ट ए थ्री टू की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स थर्ड रो के आपके पास सेकेंड एलिमेंट, इसका कोफैक्टर थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो थ्री माइनस थ्री जीरो आपके पास, थ्री टू आपके पास ओड पोजिशन है तो माइनस का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। एंड ए थ्री थ्री आपके पास थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे हम, थ्री टू जा सिक्स माइनस जीरो, सो आपके पास सिक्स हो गया ये। ठीक है, सो आपका अर्जेंट ए क्या बन जाएगा यहाँ से, अर्जेंट ए मैट्रिक्स। ठीक है, हम सीधा कोफैक्टर लिखने के बाद उनका ट्रांसपोज करने के बाद ही आंसर लिख देते हैं। जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं वो आपके पास फर्स्ट कॉलम्स के बन जाएंगे, जो सेकेंड रोज के हैं ठीक है वो आपके पास सेकेंड कॉलम्स के बन जाएंगे, एंड जो थर्ड रो के हैं वो थर्ड कॉलम के बन जाएंगे। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, अर्जेंट ए को हमारे पास हम बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास अर्जेंट ए लिखा हमने, ठीक है, माइनस फाइव टेन फाइव आपके पास, माइनस थ्री सिक्स थ्री, माइनस सिक्स ट्वेल्व सिक्स, इसको हमने बी से मल्टीप्लाई करना है। बी आपके क्या है, टू माइनस वन थ्री आपके पास। ठीक है, तो अब इनकी कैलकुलेशन, माइनस फाइव को टू से किया माइनस टेन, टेन को माइनस टेन से किया माइनस टेन, फाइव को थ्री से किया फिफ्टीन, आपके पास क्या आ गया, माइनस फाइव आ गया। एंड सेकेंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, माइनस थ्री को टू से किया माइनस सिक्स, सिक्स को माइनस वन से किया माइनस सिक्स, एंड थ्री को थ्री से किया नाइन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस थ्री। माइनस सिक्स को टू से किया माइनस ट्वेल्व आपके पास, ठीक है, एंड ट्वेल्व को माइनस वन से किया माइनस ट्वेल्व, सिक्स को थ्री से किया एट्टीन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स। नॉट इक्वल टू जीरो हो गया आपके पास, नॉट इक्वल टू जीरो इट मीन्स ये क्या कर गया आपके पास, इनकंजिस्ट। ठीक है, सो इक्वेशन हैव इनकंजिस्ट सिस्टम, इनकंजिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चंस, ठीक है, और सॉरी लास्ट कहेगा सिक्स्थ क्वेश्चंस हमारा। ठीक है, इसके अंदर में क्या करना होगा, सिक्स्थ क्वेश्चंस के अंदर, सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर भी आपको ऐसे ही इक्वेशन दी गई है, फाइव एक्स माइनस वाई, ठीक है, फाइव एक्स माइनस वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू फाइव। एंड सेकेंड इक्वेशन दी गई आपको, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फाइव जेड इज इक्वल टू टू। एंड थर्ड इक्वेशन दी गई आपको, फाइव एक्स माइनस टू वाई प्लस सिक्स जेड
इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। अब इन्हीं कंसेप्टों का यूज करते हुए हमारे पास हम क्या कहेंगे, इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म, ठीक है, इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, आपके पास किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं हम इसको, ए एक्स इज इक्वल टू बी हमारे पास, वेयर ए मैट्रिक्स आपके पास क्या बनेगा, आपका ए मैट्रिक्स 5 माइनस 1 4 2 3 5 एंड 5 माइनस 2 6 एंड एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगा आपका वेरिएबल का, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स हैं क्योंकि इसके अंदर, एंड बी मैट्रिक्स आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म्स का 5 2 माइनस 1। अब आपको क्या करना है, नाउ ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। हमने 5 को एज रखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, 3 6 जा 18 माइनस, माइनस 2 5 जा माइनस 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस 1 2 6 जा 12, माइनस 5 5 जा 25 आपके पास, एंड प्लस 4 आपके पास 2 को माइनस 2 से माइनस 4, माइनस 5 3 जा 15 आपके पास। अब 18 प्लस 10 28, 28 को 5 से किया 140, माइनस 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 प्लस 1 हो गया 1 से, 12 माइनस 25 माइनस 13 आ जाएगा, एंड माइनस 4 माइनस 5 माइनस 19 हो गया, माइनस 19 4 जा माइनस 76, तो 140 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 89, इट मीन्स आपके पास कितना बचा 51 बचा, नॉट इक्वल टू 0। सो ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ए आपके पास क्या हो गया आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इट मीन्स आपके पास इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा आपके पास, सो इक्वेशंस हैव, ठीक है, इक्वेशन हैव आपके पास कौन सा सिस्टम बनेगा इनका, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा इक्वेशंस का, क्लियर। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। अब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड पर आपने क्या करना है, हमारे पास एक्सरसाइज के तीन एग्जांपल्स दिए गए आपको, 27, 28, 29, ठीक है, आप उनको खुद ट्राई करेंगे, उनको ट्राई करने के बाद एक्सरसाइज आपकी 4.6 के ही, ठीक है, हमने 6 क्वेश्चन कर चुके हैं 7 टू लेकर 14 तक, इसमें आपको वैल्यू सॉल्व करनी है, इनको ट्राई करेंगे आप स्पेशल एग्जांपल्स की, तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम पेंडिंग होती है तो आप मुझे नेक्स्ट मैसेज कर देंगे, कमेंट कर देंगे, ताकि मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ, और क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे जिसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट जो बाकी क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको वो एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।